क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 mile NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा, अटैच अंडरग्राउंड कमरे ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल, पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। पापा के खाना ना खाने से परेशान लाडू बोली, पापा हमारे लिए काम करते हैं, खाना भी नहीं खाते। और इतना कहकर रो पड़ी प्यारी बेटी। वीडियो देखते ही अभिनेत्री रवीना टंडन भी हुई भावुक। बेटियां हमारे लिए कितना मायने रखती हैं ये शायद किन्हीं को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बेटियों के घर में रहने से गजब की रौनक बनी रहती है। एक पिता का अपनी बेटी के लिए चिंता करना आम बात है, लेकिन अगर बेटी भी अपने पिता की चिंता करे वो भी इतनी कम उम्र में, तो शायद ये देखकर आपका भी दिल पिघलना लाजमी है। इसी से मिलता जुलता एक प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक मासूम बिटिया अपने पिता के खाना न खाने पर काफी विचलित है। यहाँ तक कि इस लाडो को इस बात का इतना दुख है कि वो बताते बताते फूट फूट कर रोना भी शुरू कर देती है। मासूम बिटिया की इसी विचारशीलता ने अभिनेत्री रवीना टंडन का दिल भी जीत लिया और वीडियो देखते ही अभिनेत्री भावुक हो गयी। ये देखकर अब हर कोई ये सोचने के लिए मजबूर है कि बेटियां तो सच में घर की खुशियां होती हैं। इस वायरल वीडियो की शुरुआत लड़की के आंसुओं से होती है। एक बेटी अपने पिता के लिए इसलिए रोती है कि उसका पिता खाना खाकर नहीं गया और भूखा है। वो अपने पिता का इतना ज्यादा ध्यान रखती है और इसके लिए वो किस कदर रो रही है कि पूछिए ही मत। वहीं बच्चे की ये भावुकता वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची रो रही है और उसकी माँ रोने का कारण पूछती है। बच्ची पहले कुछ जवाब नहीं देती, लेकिन माँ पुनः बोलती है कि क्यों रो रही हो, मैंने तो अभी तुम्हें डांटा भी नहीं। इसके बाद बच्ची पहले कैमरा बंद करने की बात करती है और इसके बाद रूंधे गले से अपना दर्द बयां करती है। बच्ची कहती है कि उसके पिता बिना कुछ खाए पिए ही काम करने चले जाते हैं। फिर बच्ची फूट फूट कर रोती है। उसकी माँ कहती है कि सुबह तो हर रोज खाकर जाते ही है ना, फिर रात में भी खाना खाते हैं। बच्ची बोलती है कि हाँ तो शाम में तो नहीं खाते ना, पेट तो खाली ही रहता है और आज तो सुबह खाना खाकर भी नहीं गए, भूखे चले गए। पापा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं लेकिन कभी भी खुद समय पर खाना भी नहीं खाते। बच्ची को माँ काफी समझाती है कि उसके पिता को अपने ग्राहकों को सामान देना भी जरूरी है, लेकिन बच्ची कुछ सुनने को तैयार नहीं दिखती और कहती है कि तो मम्मा इंसान खाना खाएगा, वो भी तो खाना खाते हैं, तो मेरे पापा भी तो खाना खाएंगे ना। और बच्ची फिर रोना शुरू कर देती है। इस वीडियो ने सचमुच लोगों को भावुक कर दिया। यहाँ तक कि अभिनेत्री रवीना टंडन भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाई। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बच्ची को आशीर्वाद दिया। वहीं एक पत्रकार ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि पापा की इतनी फिक्र, ये होती हैं बेटियां। जिन लोगों को बेटियां बोझ लगती हैं वो एक बार जरूर इस वीडियो को देखें। सोशल मीडिया पर ये वीडियो धूम मचा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग तारीफ करने में और शायद इसे शेयर करने से भी खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षार्थी रूपा 2 दिन पहले बनी माँ, फिर भी परीक्षा देने पहुंची परीक्षा केंद्र। इंटरमीडिएट की परीक्षार्थी रूपा के जुनून के सामने आज भागलपुर शिक्षा विभाग भी हैरान हो गया। दरअसल 2 दिन पहले मां बनी रूपा आज अपने परीक्षा केंद्र उर्दू बालिका उच्च विद्यालय में परीक्षा देने पहुंची और 3 घंटे बैठकर आराम से परीक्षा पूरी की। रूपा ने कहा कि उसका 1 साल बर्बाद हो जाता, इसलिए आज परीक्षा देने आना पड़ा। इतिहास की परीक्षा थी, बढ़िया लिखी है, मेरी बच्ची मेरी माँ के पास घर में है। रूपा के साथ परीक्षा दे रही छात्रा ज्योति ने बताया कि इनको कोई तकलीफ नहीं हुई, अच्छे से इन्होंने परीक्षा दी। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि हम लोगों में भी खुशी का माहौल है। 2 दिन पहले रूपा ने बच्ची को जन्म दिया और आज परीक्षा देने पहुंची। जिला प्रशासन की ओर से सारी सुविधा मुहैया कराई गई थी। बता दें कि 2 फरवरी को इंटरमीडिएट की दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा के दौरान रूपा को प्रसव पीड़ा हुई थी। जिला प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस भेजकर उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद रूपा ने खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वो आराम न कर आज परीक्षा देने पहुंची। रूपा का जज्बा बेहद ही काबिले तारीफ है।
बच्ची को जन्म दिए हैं परसों आप, दिए हैं ना, आज परीक्षा देने आए हैं, क्यों? साल भर बर्बाद हो जाता इसलिए आया हुआ। कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया रहा। कौन सा सब्जेक्ट था आज? हिस्ट्री था। बढ़िया लिखे हैं। अब बच्ची को घर में छोड़ के आए हैं माँ के पास? बहुत हम लोगों की है के लिए ऐसे कि खुशी वाला माहौल है कि बच्ची ऐसे कि जो परीक्षार्थी है रूपा कुमारी वो दो दिन पहले ऐसे कि स्वस्थ बच्चे को जन्म दी और ऐसे कि अपने को स्वस्थ पाने के बाद वह आज इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन में पुनः सम्मिलित हुई और एग्जामिनेशन ऐसे कि को लिखी है। इसके लिए ऐसे कि अच्छी व्यवस्था कराने के लिए जिला प्रशासन भागलपुर एवं स्वास्थ्य विभाग भागलपुर को हम लोग ऐसे कि शिक्षा विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सबौर स्टेशन पर वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक की अध्यक्षता में सेफ्टी सेमिनार का हुआ आयोजन। आज सबौर स्टेशन पर वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक मालदा राजेश कुमार मालदा की अध्यक्षता में सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें संरक्षित ट्रेन परिचालन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। ट्रैफिक ब्लॉक, पावर ब्लॉक, लोड सिक्योरिंग एवं असामान्य कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आप अपना नियमित काम को सही तरीके से नियमानुसार करें। इस सेफ्टी सेमिनार में यातायात निरीक्षक भागलपुर ब्रजभूषण तिवारी, यातायात निरीक्षक पीके राजहंस, स्टेशन अधीक सबौर बीके सिन्हा, स्टेशन मास्टर एसके गुप्ता, पीके चौधरी, सरबन कुमार, राजीव कुमार रंजन, स्टेशन अधीक्षक घोगा जीपी सिंह, स्टेशन मास्टर लैलखम मलखा जे भास्कर, स्टेशन मास्टर मिर्जा चौकी सुजीत कुमार करम टोला, स्टेशन मास्टर डीके चौधरी, TILR, स्टेशन मास्टर जितेंद्र कुमार और लगभग सभी स्टेशन के गेटमैन, पॉइंट्समैन, शंटमैन भाग लिए। सभी ने ये भरोसा दिलाया कि हम लोग 100% संरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करेंगे और कराएंगे। SSP बाबूराम ने अपराध नियंत्रण को लेकर समीक्षा भवन में जिले के सभी थानेदारों के साथ की अहम बैठक। अपराध पर नियंत्रण पाना प्रशासन के लिए चुनौती का विषय हो गया है। आए दिन अपराधी अपराध को अंजाम देते दिख रहे हैं, उस पर लगाम लगाने को लेकर आज SSP बाबूराम ने समीक्षा भवन में सभी SHO, सर्कल इंस्पेक्टर, SDO के साथ अहम बैठक की। मीडिया से बात करते हुए सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आज सभी SHO, सर्कल इंस्पेक्टर, SDO के साथ कई विषयों पर वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि बैठक का मुद्दा था भागलपुर शहर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में अपराध पर पूर्ण रूपेण नकेल कसना एवं साथ ही पिछले दिए हुए टास्क पर कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाई उस पर भी समीक्षा वार्ता की गई। साथ ही जो संचल में कमी है उसको और जोर शोर से कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सिटी SP स्वर्ग प्रभात ने यह भी बताया कि SSP के आदेश अनुसार आज की बैठक में केस का डिस्पोजल भी तेजी से करना है। उसमें प्रगति की समीक्षा की गई और रिपोर्टिंग से 1.5 गुना केस के निष्पादन का लक्ष्य दिया गया ताकि जो लंबित कांड है उनमें कमी लाई जा सके। अपराध नियंत्रण को लेकर कई बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए सर्कल इंस्पेक्टर व SDO को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई। उम्मीद है कि आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेगा। भागलपुर बाईपास टोल प्लाजा के पास अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, एक को चाकू से किया घायल, एक युवक की हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने घंटों बाईपास मुख्य मार्ग को किया जाम। भागलपुर बाईपास टोल प्लाजा के समीप अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार जमीन देख कर लौट रहे बैजानी निवासी विभास मिश्रा के 32 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब देर शाम हो गई थी। हालांकि रोशन के साथ बाइक पर दीपक कुमार भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। रोशन फर्नीचर दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करते थे, वहीं दूसरा जमीन कारोबारी था। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने बाईपास मुख्य मार्ग को घंटों जाम रखा। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। उसकी निर्मम हत्या कर दी गई।
अपराधियों द्वारा दो लोगों पर चाकू गोदने का प्रयास किया और जिसमें एक लोग की हत्या हो गई और एक अभी घायल अवस्था में मायागंज अस्पताल में एडमिट और वह सब कुछ कहने की स्थिति में है। लेकिन आश्चर्य होता है कि एक NH रोड जो कि काफ़ी आवाजाही वाला रोड है और मात्र यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर बाईपास थाना है और यहाँ पर हमेशा सड़क पर लोग मौजूद रहते हैं, दिन दहाड़े एक युवक की निर्मम हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन मौन है। और जब हम लोग पुलिस प्रशासन से बात करने जाते हैं तो एक लावारिस के तरह हमारे उस भाई के लाश को उठाकर ले जाया जाता है बिना पूछे आखिर किससे पुलिस प्रशासन उस लाश को लेकर चली गई, यहाँ पर किसकी संलिप्तता है उसकी जाँच होनी चाहिए। और हमारी मांग है कि अविलंब उस अपराधी को जिसने निर्मम हत्या किया उसको पकड़े, अन्यथा यह NH-80 तब तक हम ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर जाम किया जाएगा। प्रशासन पहुंची थी क्या कह रहे हैं अभी यहाँ पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन बहुत देर से अभी थोड़ी देर पहले पहुंची है, DSP लॉ एंड ऑर्डर भी पहुंचे थे, उनको हम लोगों ने अपनी सारी समस्याएं बताई और मांग किया कि उसके नंबर को जांच किया जाए कि आखिर 3-4 कॉल किससे बात हुई है और कौन अपराधी है जो कि दिन दहाड़े इतना मन बढ़ा हुआ है। मन बढ़ा हुआ सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन, क्योंकि भागलपुर में पुलिस प्रशासन और अपराधी का मिलीभगत है, बड़े तौर पर पैसे के साथ वो लोग बैठते हैं, साथ में शराब माफियाओं के साथ बैठते हैं और पुलिस प्रशासन मिलकर ऐसे हर घटनाओं को अंजाम देती है, तो उनको पकड़ने की आवश्यकता है। और हमारी मांग अभी DSP लॉ एंड ऑर्डर स्थिति की 2 घंटे के अंदर अविलंब गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ग्रामीण और भी आक्रोशित होंगे। और यह सिर्फ NH नहीं, आने वाला जितना भी रोड है चाहे वह बैजानी पुल हो या फिर सड़क में हो, कहीं भी बैठना हो हम लोग बैठकर आंदोलन करेंगे। परिचय कुछ पांडे। हर्षोल्लास पूर्वक की गई विद्या की देवी सरस्वती पूजा। नवगछिया में हर्षोल्लास पूर्वक विद्या की देवी सरस्वती पूजा की गई। स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान में प्रतिमा स्थापित कर COVID-19 गाइडलाइन के तहत पूजा अर्चना की गई। नवगछिया के बाल भारती विद्यालय सावित्री पब्लिक स्कूल में प्रतिमा स्थापित की गई थी। सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने 140 स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी को तैनात किया गया था। ढोलबज्जा थाने में 7 स्थानों पर, कदवा ओपी में 13 स्थानों पर, गोपालपुर में 14 स्थानों पर, रंगरा में 7 स्थानों पर, बिहपुर में 13 स्थानों पर, झंडापुर में 11 स्थानों पर, इस्माइलपुर थाने में 8 स्थानों पर, नवगछिया एवं परवत्ता थाना क्षेत्र में भी दंडाधिकारी को तैनात किया गया। अनुमंडल कार्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं जो 4 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक कार्य करेंगे। जगतपतिनाथ महादेव मंदिर में पूर्ण रूपेण भक्तिभाव से मनाया गया तिलकोत्सव। शिवरात्रि कमेटी नवगछिया के द्वारा बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जगतपतिनाथ महादेव का तिलक उत्सव श्री गोपाल गौशाला स्थित जगतपतिनाथ महादेव मंदिर में पूर्ण रूपेण भक्तिभाव से मनाया गया। बाबा के तिलक की शोभा यात्रा में फलों की थाल, लहराते निशान, घोड़े, त्रिशूल और गाजे बाजे के साथ नाचते गाते शिव भक्त श्री घाट ठाकुरबाड़ी मंदिर नवगछिया के प्रांगण से निकलकर पूरे नगर में भ्रमण करते हुए श्री गोपाल गौशाला स्थित जगतपतिनाथ महादेव मंदिर पहुंचे, जहां महादेव के तिलक की प्रक्रिया पूरे विधिवत तरीके से पंडित अजीत बाबा के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ की गई। मौके पर मौजूद महिलाओं के द्वारा प्रारंभिक गीत के साथ रस्म को पूरा किया गया। शिवरात्रि कमेटी के अध्यक्ष समाज सेवी W यादव किसान, साहब मौसम बाबा, अशोक केड़िया, संतोष गुप्ता, दिनेश बाबा, सजन गुप्ता, पप्पू यादव, मुन्ना भगत, मोनी गुप्ता, मनीष सिंह, दीपक कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। मीडिया प्रभारी अशोक केड़िया ने कहा कि आज से महाशिवरात्रि के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिवरात्रि की शोभा यात्रा में कई तरह की झांकियां निकाली जाएंगी। नवगछिया RPF को मिली बड़ी सफलता, 1000 कछुओं के साथ कई तस्कर गिरफ्तार। नवगछिया RPF इंस्पेक्टर मृणाल कुमार के नेतृत्व में RPF पुलिस व वन विभाग की टीम ने शुक्रवार की रात ट्रेन से 1000 कछुओं के साथ कई तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम ने साप्ताहिक एक्सप्रेस 19305 अप आम्बेडकर नगर कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी कर 42 बोरी व बैग से 935 कछुओं को बरामद किया। पुलिस ने 8 तस्करों को गिरफ्तार किया। एक तस्कर के पूर्णिया का रहने वाला है, शेष सभी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपित पूर्णिया जिले के मीरकगंज डुमरिया निवासी गोनर कुमार, उत्तर प्रदेश के पकड़ी दयाल सुल्तानपुर निवासी अमर कुमार शिवा कुमार लिजा हैं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी शांति कुसुमा लच्छो शिवा हैं। RPF इंस्पेक्टर मृणाल कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से उन लोगों को सूचना मिली कि ट्रेन से कछुए की स्मगलिंग की जा रही है। इसके बाद वे लोग अलर्ट मोड में आ गए।
रात 11:23 पर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस ट्रेन नवगछिया स्टेशन पहुंची। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही 7 जवानों की टीम के साथ आरपीएफ इंस्पेक्टर ने छापेमारी की। एक एक कर सभी बोगियों में तलाशी शुरू की गई। कछुए स्लीपर से लेकर जनरल बोगी में रखे गए थे। तस्करों ने बोरी में कछुओं को अलग अलग बोगी में छुपा रखा था। आरपीएफ ने S4, S5, S7, S9 से पहले कछुओं को जब्त किया। इसके बाद पीछे के जनरल बोगी से 2 बोरी में भरे कछुए जब्त किए। इस दौरान नवगछिया स्टेशन पर करीब 16 मिनट तक गाड़ी रुकी रही। इस मौके पर वन विभाग की टीम रेंजर ऑफिसर बीके सिंह उर्फ ब्रज किशोर सिंह मौजूद थे। बीके सिंह ने बताया कि ये कछुआ सुंदरी प्रजाति का है। इस कछुए का महत्व इंडिया के बाहर के देशों में बढ़ जाता है। भारत में इसकी बाजार की कीमत 15 से 16 लाख रुपए है, जबकि इसका विदेशों में करोड़ों रुपए है। इसका उपयोग शारीरिक शक्ति बढ़ाने में होता है। पूछताछ के दौरान कछुए के तस्करी के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ। पकड़े तस्करों ने बताया कि इन कछुओं को बंगाल के रास्ते विदेश भेजने की तैयारी थी। वन विभाग ने जब्त कछुओं की अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई है। भागलपुर के सुंदरवन में कछुआ पुनर्वास केंद्र है। यहाँ पर घायल कछुओं का इलाज भी किया जाता है। सभी बरामद कछुओं को भागलपुर स्थित सुंदरवन में रखा जाएगा, जिन्हें बाद में गंगा नदी में छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही गिरफ्तार तस्करों के विरुद्ध भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कछुओं की काफी मांग है। ये हमारे यहाँ 2-3 तारीख की रात्रि में एक घटना हुई थी चोरी का। ग्रामीण जग गए थे और जगने के बाद में जब चोर को पकड़ने का कोशिश किए तो उनके द्वारा फायरिंग किया गया। उसके बाद में भगदड़ मच गई। बाद में पुलिस की खबर हो गई, हम लोग भी वहाँ पर गए। जाने के बाद में जब घटना स्थल का सर्च किया गया तो वहाँ पर एक भागे हुए अपराधी का मोबाइल मिला और चप्पल मिला था। उसके आधार पर हम लोगों ने एक टीम का गठन किया, जिसमें ज्यादातर हमारे PSI जो नए वाले हैं उनको शामिल किया गया था और इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में ये टीम काम कर रही थी। काम करने के बाद में काफ़ी अच्छा सफलता मिला है और इसने चोर तो पकड़े ही गए हैं, साथ में उनके द्वारा उपयोग किया गया ये चोरी करने का सामान है, ताला वाला काटने का सामान है और चोरी को ही कई जगह से चोरी कोई की गई सामान हम बरामद किए हैं। इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि दर्जनों चोरी की घटनाएं इनके द्वारा की गई है और हमारे पास जो सामान बरामद हुआ है वो कई जगह से चोरी की हुई सामान है। कुछ ऑर्नामेंट्स भी हैं और ये किराना आइटम है, गंजी है और आप देख रहे होंगे ये तलवार है, कटर वाला सामान है, बहुत सारा सामान बरामद हुआ है और हम लोगों ने सफल उद्भेदन किया है इस गृहभेदन के कार्य को। चूंकि उन्होंने फायरिंग कर दिया इसलिए अब ये डकैती हो गया था। 392 में हम लोगों ने केस दर्ज किया है। बट बेसिकली ये लोग गृहभेदक हैं और आए दिन ठंडा के दिन में जब कुहासा बढ़ जाती है और हालांकि हमारा पैदल गश्ती सब जगह रहता है फिर भी हर जगह संभव नहीं होता है, दृश्यता कम हो जाने की वजह से ये लोग इसका फायदा उठाते हैं और जाड़े के दिनों में चोरी की घटनाएं बढ़ जाती है। तो हमारी टीम खास करके ये जो हमारे PSI है और महिला PSI पूनम है और ये दीपिका है, इन लोगों का काफी सराहनीय कार्य रहा है और ये सारे लोग इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए हैं। मैं मानता हूं कि इनके कैरियर के लिए और कैरियर की शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा केस का डिटेक्शन इन्होंने किया है और आने वाले दिन में हमारे यहाँ गृहभेदन के घटना में रोक लग जाएगी, बहुत सारा कमी आएगी। कौन कौन मामले में चोरी हुआ था जो सामान बरामद हुए, कहाँ का घटना था सर? ये घटना हमने पूरा इसमें जिक्र नहीं किया है क्योंकि अभी और भी जानकारी हम ले रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हुआ है नवगछिया थाना कांड संख्या 25, नवगछिया कांड संख्या 20-22, नवगछिया थाना कांड संख्या 435-21, नवगछिया थाना 431-21, गोपालपुर के थाने हैं और भी बहुत सारा केस है जिसमें अभी तक हम लोगों ने सामान भी बरामद किया है और इन्होंने स्वीकार भी किया है। बाजार में जो सोना दुकान में हुआ हाँ उस संबंध में पूछताछ की जा रही है, संलिप्तता आई है कुछ लोगों का, इनके अलावे भी कुछ। नवगछिया आरपीएफ को मिली बड़ी सफलता, 1000 कछुओं के साथ कई तस्कर गिरफ्तार। नवगछिया आरपीएफ इंस्पेक्टर मृणाल कुमार के नेतृत्व में आरपीएफ पुलिस व वन विभाग की टीम ने शुक्रवार की रात ट्रेन से 1000 कछुओं के साथ कई तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम ने साप्ताहिक एक्सप्रेस 19305 अप आम्बेडकर नगर कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी कर 42 बोरी व बैग से 935 कछुओं को बरामद किया।
पुलिस ने 8 तस्करों को गिरफ्तार किया। एक तस्कर के पूर्णिया का रहने वाला है, शेष सभी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपित पूर्णिया जिले के मीरकगंज डुमरिया निवासी गोनर कुमार, उत्तर प्रदेश के पकड़ी दयाल सुल्तानपुर निवासी अमर कुमार शिवा कुमार लिजा हैं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी शांति कुसुमा लच्छो शिवा हैं। आरपीएफ इंस्पेक्टर मृणाल कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से उन लोगों को सूचना मिली कि ट्रेन से कछुए की स्मगलिंग की जा रही है। इसके बाद वे लोग अलर्ट मोड में आ गए। रात 11:23 पर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस ट्रेन नवगछिया स्टेशन पहुंची। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही 7 जवानों की टीम के साथ आरपीएफ इंस्पेक्टर ने छापेमारी की। एक एक कर सभी बोगियों में तलाशी शुरू की गई। कछुए स्लीपर से लेकर जनरल बोगी में रखे गए थे। तस्करों ने बोरी में कछुओं को अलग अलग बोगी में छुपा रखा था। आरपीएफ ने S4, S5, S7, S9 से पहले कछुओं को जब्त किया। इसके बाद पीछे के जनरल बोगी से 2 बोरी में भरे कछुए जब्त किए। इस दौरान नवगछिया स्टेशन पर करीब 16 मिनट तक गाड़ी रुकी रही। इस मौके पर वन विभाग की टीम रेंजर ऑफिसर बीके सिंह उर्फ ब्रज किशोर सिंह मौजूद थे। बीके सिंह ने बताया कि ये कछुआ सुंदरी प्रजाति का है। इस कछुए का महत्व इंडिया के बाहर के देशों में बढ़ जाता है। भारत में इसकी बाजार की कीमत 15 से 16 लाख रुपए है, जबकि इसका विदेशों में करोड़ों रुपए है। इसका उपयोग शारीरिक शक्ति बढ़ाने में होता है। पूछताछ के दौरान कछुए के तस्करी के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ। पकड़े तस्करों ने बताया कि इन कछुओं को बंगाल के रास्ते विदेश भेजने की तैयारी थी। वन विभाग ने जब्त कछुओं की अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई है। भागलपुर के सुंदरवन में कछुआ पुनर्वास केंद्र है। यहाँ पर घायल कछुओं का इलाज भी किया जाता है। सभी बरामद कछुओं को भागलपुर स्थित सुंदरवन में रखा जाएगा, जिन्हें बाद में गंगा नदी में छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही गिरफ्तार तस्करों के विरुद्ध भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कछुओं की काफी मांग है। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। नवगछिया पुलिस जिला में मास्क व वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस मौके पर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि 42 लोग बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर घूमते हुए पाए गए। इन लोगों से 2100 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं 3 वाहन चालकों से 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। रंगरा ओपी पुलिस ने बनिया गांव से देसी विदेशी शराब बरामद किया है। इस संबंध में रंगरा ओपी प्रभारी महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि बनिया गांव से 3.42 लीटर विदेशी व 10 लीटर देसी शराब अवर निरीक्षक मुकेश सिंह ने बरामद किया है। इस संबंध में अज्ञात के विरुद्ध रंगरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। SC/ST एक्ट के आरोपित ने नवगछिया न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपित डोलबजा थाना के मरकोस पछियारा निवासी लव यादव अंबिका यादव है। इस संबंध में आरोपित के विरुद्ध नवगछिया SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज है। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी परिसर में शनिवार को भूमि विवाद संबंधी जनता दरबार में CO अजय कुमार सरकार, भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने 2 मामले में सुनवाई की। सुनवाई के उपरांत मथुरापुर का 1 मामला निष्पादित हुआ, जबकि गनौल का 2 मामला सुनवाई के लिए अगली तिथि तय किया गया। नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत शनिवार को 8 स्थानों पर सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। CO अजय कुमार सरकार ने बताया कि सभी मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी और जवान अपने अपनी जगह पर शनिवार को मुस्तैद दिखे। नारायणपुर प्रखंड के भवनपुर गांव में खाद दुकान का अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अविनाश कुमार ने निरीक्षण किया। मौके पर किसानों को निर्धारित दर पर सरकारी नियमानुसार यूरिया वितरण किया जा रहा था। शंभू गोस्वामी ने बताया कि अभी तक अलग अलग दुकानों से 1200 बोरा से ज्यादा किसानों को सरकारी दर पर निर्धारित मात्रा में किसानों को खाद वितरण किया गया है।